जोहार हजारीबाग, जोहार अपडेट में आपका स्वागत है। आज हजारीबाग में दो ऐसी घटना हुई है जो दुखद घटना हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। हजारीबाग के मंडई खुर्द में एक सेप्टिक टैंक का कार चल रहा था नगर निगम में, जिसके छज्जा गिरने से एक लेबर की मौत हो गई है, और उस लेबर की मौत होने के बाद उसके पूरे परिजन सदर अस्पताल पहुंचे हैं, और जुटको की मालिक से, जो जुटको कंपनी है, जो कंपनी है उससे निवेदन कर रहे हैं मुआवजे के लिए। इस मौके पे हजारीबाग सदर विधायक भी वहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ के मेयर रोशनी त्रिकी जी पहुँचे हैं, और बहुत सारे लोग हैं मोहल्ले के वो पहुँचे हैं, मुखिया भी पहुँचे हैं वहाँ पे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्या हुआ और क्यों हुआ था। चेक दिलवा दीजिए, मेरा काम करता यार, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम आपको कहाँ खोजने जाएंगे। मंडई खुद के सेप्टिक टैंक प्लांट पर निर्माण स्थल में छज्जा से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। आज सदर अस्पताल में सदर विधायक के समेत उनके समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं। मामला क्या है, गुरुवार की सुबह हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित मंडई खुद अवस्थित बड़की टाड़ में 64 KLD सेप्टिक टैंक सेप्टिक प्लांट का कार्य हो रहा था। यह कार्य जुटको के द्वारा संवेदक एजेंसी BTL EPL लिमिटेड और उनके पेटी कंपनियों द्वारा कराया जा रहा था। इसी के निर्माण कार्य में मजदूर का कार्य कर रहे मंडई खुर्द निवासी एक मजदूर अवधेश सोनी, उम्र करीब 38 साल, का काम करने के दौरान छज्जा के टूट कर नीचे गिरने से आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, गांव में मातम छा गया। नगर निगम का मामला है ये, और क्या हुआ है? देखिए, ये मामला डायरेक्टली निगम का नहीं है, ये डायरेक्टली वो जुटको काम कर रहा है, तो अभी हम लोग जुटको के जो ऑनर हैं उनसे बात हो रही है। वो आपके कार्यकाल में कभी ऐसा केस आया था नगर निगम में जब किसी लेबर की मृत्यु हुई थी? देखिए, मुझे लगता है ये पहला केस है, तो हम लोग इसमें पूरा जो भी मुआवजा है उनको हम लोग दिलवा करके यहाँ से लौटेंगे, और हम लोग की पूरी कोशिश है। तो क्या इसमें गलती लग रही है कि जो कंपनी ने दिया था कॉन्ट्रैक्ट उसकी गलती है? देखिए, जैसा लोगों ने बताया यहाँ पर कि एक सप्ताह के बाद वो सेटरिंग खोल रहा था, तो वो मुझे लगता है काम घटिया क्वालिटी का हो रहा है, वो जांच का विषय है, तो इस पर मैं नगर आयुक्त को पत्र लिखूंगी और इसमें जांच के लिए बोलूंगी। आपके एरिया का मामला है मैडम, क्या हुआ था, कब आपको पता चला और क्या चल रहा है? मेरे एरिया का ही मामला है, हमको 10:30 के लगभग पता चला और हम तुरंत आए यहाँ पे। बात है कि ये बालदेव सोनी का बेटा है, उनका है सो वहाँ पे एक प्लांट बन रहा है मेरे मंडई खुर्द में, वहीं पे वो सेटिंग से छज्जा जो होता है खिड़की का, उससे डेथ कर गए हैं गिर कर, और उसके बारे में हम लोग जाने और तुरंत यहाँ पे आए हैं, और सुबह से अभी तक हम लोग यहीं पे हैं ताकि उनका जो भी डेथ हुआ है तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को जो मुआवजा चाहिए उसके लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और भारी संख्या में मंडई के लोग सभी लोग आए हुए हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। मनीष भाई अभी आए हुए हैं, उनसे बात हुआ और हम लोग देने का काम करेंगे, इनका पैसा देने का बात हुआ, अभी 1-1.5 लाख रुपया मिल गया है और 10 लाख का और मुआवजा देना। 1.5 लाख कैश मिला है जी, और 10 लाख और बात हुआ जी, और वो काम करवा के ही जाएंगे, एग्रीमेंट पेपर बनवा कर ही जाएंगे हम लोग, और सुबह से तो हम लोग यहीं पे लगे हुए हैं। वो काम करने के लिए ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ वो जैसे ही किया वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसको हम हॉस्पिटल लाए, उनकी वाइफ को भी साथ में लेकर के आए, इसके बाद यहाँ पे लोग डेथ क्लियर कर दिए। कहाँ पे काम कर रहा था और कब से वहाँ पे काम कर रहा था, और छज्जा जो बना हुआ था वो कब से बना हुआ था? मंडई में, मंडई सेप्टेज प्लांट है, BTL कंपनी का काम चल रहा था, उसी में वो कर रहा था काम। कैसे आप उठा के लाए यहाँ पे, क्या हुआ? वहाँ से बाइक से लाए, कोना पे आने के बाद वहाँ से टेम्पू मिला। हाँ। तो टेम्पू पे लाद के ले आए, बाइक और एक गार्ड था, गार्ड के साथ, गार्ड को बोले कि साथ में ले चलो, हम आगे आगे आ करके यहाँ पर्ची कटाए, उनको एडमिट किए। एडमिट करने के बाद वो आपका इन लोग डॉक्टर का जो प्रोसेस होता है वो लोग किए लोग। हाँ। इसके बाद कुछ देर के बाद बोले कि ये रहे नहीं। अभी तक जो अपडेट मिली है उससे ये पता चल रहा है कि जुटको वालों ने ये एग्री किया है कि मुआवजे की जो रकम है लगभग 12 लाख रुपया वो परिजन को दिलाया जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि आज 2 बजे के आसपास कनेरी पहाड़ से नगवा टोल जाने के रास्ते में एक व्यक्ति की लाश मिली है। व्यक्ति के परिजन भी सदर अस्पताल पहुँचे हैं पोस्टमार्टम के लिए,
और मामला कोर्रा थाने का है। परिजन कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु कर दी गई है। उस व्यक्ति का नाम है भुवनेश्वर प्रजापति, वे प्रेम नगर सिंदूर में रहने वाले थे। उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके साथ जो उनके सर्कल में जो लोग रहते हैं उन्होंने उनकी हत्या की है। इस मामले की जानकारी कोर्रा पुलिस ने दी है और कोर्रा पुलिस इस मामले को देख रही है। आगे की जानकारी जो होगा हम लोग अपडेट करेंगे।